सिम्बा के रिलीज का वक्त आ चुका है और सिम्बा में अजय देवगन को देखने के लिए भी लोग काफी एक्साइटेड हैं। यही बात शायद रणवीर सिंह को उतनी अच्छी नहीं लगी थी। जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था उसके बाद रणवीर सिंह रिस्पॉन्स को देखते हुए खुश तो थे, लेकिन इस बात से हल्के से नाराज नजर आए कि उनसे ज्यादा माइलेज मिल रहा है अजय देवगन की उस एंट्री को। आखिरकार अजय देवगन की इस फिल्म सिंघम की सीरीज पर ही कहीं ना कहीं इस फिल्म की कहानी भी बेस्ड है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से शिवगढ़ में रहने वाला छोटा सा संग्राम भल्लेराव बड़ा होकर सिम्बा बनता है, और शायद इसी को दिखाने के लिए डायरेक्टर ने अजय देवगन की एंट्री भी फिक्स करी कि अजय देवगन भी इस फिल्म में एंट्री लेंगे ही। लेकिन उसकी वजह से रणवीर सिंह थोड़े इनसिक्योर हो गए थे, उनके कुछ स्टेटमेंट्स अजीब हो रहे थे, और ये बात सामने आई कि शायद वो इस बात से खुश नहीं है कि अजय देवगन की एंट्री उनकी एंट्री पर भी भारी पड़ गई है। पर अब पता चला है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री भी होगी, तब तो रणवीर सिंह की लाइमलाइट उनके हाथ से चले जाना तय है। फिर भी अभी जिस तरह से फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सारे एक्टर्स एक साथ मौजूद थे, रणवीर सिंह कहीं भी इस बात से इनसिक्योर होते नजर नहीं आए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आ चुकी है, कलेक्शंस में क्या धमाका होता है ये तो आने वाला वीकेंड बताएगा।